नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के तेज होते आंदोलन के बीच बीजेपी भी अब आक्रामक हो गई है। पार्टी के मुख्यमंत्री और कार्यकर्ता अपने अपने राज्यों में किसान सम्मेलन का आयोजन कर किसानों को नए कृषि बिल से होने वाले लाभ के बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के उज्जैन में आयोजित एक किसान सम्मेलन को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने किसानों का समर्थन कर रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि राहुल गांधी को यह भी नहीं पता कि भिंडी कैसे उगती है। राहुल गांधी जगे दिन से जो अपना चोर है, जनता ने ऐसा पछाड़ा कि आज तक उठ नहीं पाए, पर अब फिर कहने लगे मोदी जी ने चोरी कर ली किसान कानून। अरे जानते हो किसान कानून है क्या? खेती के बारे में जानते हो? किसानी के बारे में जानते हो? अरे राहुल बाबा, तुमको तो ये भी पता नहीं है कि ज्वार का भुट्टा ऐसे लगता है कि ऐसे लगता है, गन्ने से बनता है कि मशीनों से निकलता है, और तुम हमें खेती की बात बता रहे हो? गाँव देखे नहीं, गाँव की गलियां देखी नहीं, खेत देखे नहीं, खेत की पकड़ियां देखी नहीं, कीचड़ देखी नहीं, खून देखी नहीं, तुम खेती की बात करो? मेरे बहन और भाइयों, आज विरोध हो रहा है मोदी, भ्रम फैलाया जा रहा है, झूठी अफवाहें फैली जा रही है, और ऐसे ऐसे लोग हो गए किसान आंदोलन में जो देश के हितों के खिलाफ काम कर रहे हैं।